तो राजा वहां के थे, वही तो हीरो थे वहां के, उनके ना उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता था। बिहार की राजनीति को अगर समझना है तो यहां पर जिन बाहुबलियों ने राज किया, वे बाहुबली जो राजनीति में आए, उनके जीवन को जानना जरूरी है। भले ही आज हमें यह लगता है कि बिहार अब बाहुबलियों से मुक्त हो चुका है, मौजूदा सरकार में बाहुबलियों का जो एक कल्चर था, जो एक संस्कृति थी, वो खत्म हो गई, लेकिन अगर विधानसभा के चेहरों पर हम नजर डालें, जो सदस्य वहां पर मौजूद हैं, तो शायद हमें यह लगेगा कि अभी भी बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का वर्चस्व कायम है। हालांकि 1990 का जो दौर था, जो 90s का एरा था, उस दौर में बाहुबलियों का एक ज्यादा परचम लहराता था, ज्यादा उनका दबदबा था, खासकर राजनीति में। यानी वैसे क्रिमिनल, वैसे दबंग लोग जो सफेद पोश हो जाते थे, जो राजनीति में आ जाते थे, उन्हें ही बाहुबली कहा जाता था। और 2005 के बाद से जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, तब ऐसा लगा कि बाहुबलियों का दौर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हमारा यह प्रयास रहेगा, क्योंकि बिहार में जो लोग हैं, खासकर जो नई जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो कई बाहुबलियों को नहीं जानती है, उनके जन्म के पहले कितने बाहुबली हुए और खत्म हो गए, तो उनसे हम बिहार के जो युवा हैं उनको रूबरू करवा सके, उनसे परिचित करवा सके, उसी श्रृंखला में ये एक नया शो हम शुरू कर रहे हैं, बाहुबली सीरीज। और सबसे पहले इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस बाहुबली का, जिस बाहुबली ने बिहार में AK-47 का प्रयोग तब कर लिया था जब बिहार पुलिस AK-47 का नक्शा तक नहीं जानती थी, यानी उसका फोटो तक अखबारों में नहीं छपता था। उस जमाने में ये शख्स अशोक सम्राट था। अब अशोक सम्राट से आप वो जो एक राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, उन पे कंफ्यूज मत हो जाइए। ये जो अशोक सम्राट है, ये आप कह सकते हैं कि बिहार में बाहुबलियों के कल्चर को पनपाने वाले, यानी जो शुरुआत करने वाले शख्स में से एक रहे होंगे। उन्हीं सम्राट अशोक की, अशोक सम्राट की आप कहिए, हम आपको कुछ कहानी बताएंगे, ताकि बिहार के वो लोग जान सके कि बिहार में AK-47 किसने लाया सबसे पहली बार और कैसे उसका प्रयोग शुरू हुआ। 90 के दशक में बिहार के बड़े हिस्से में अपने खौफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले सम्राट अशोक की कहानी बहुत दिलचस्प है। दरअसल आज बिहार के ज्यादातर जो आपराधिक गिरोह हैं, उनके पास AK-47 राइफल रहता है, लेकिन इस घातक हथियार को बिहार की पवित्र भूमि पर, वो भूमि जो बुद्ध की जन्मस्थली, महावीर की कर्मस्थली रही है, उस भूमि पर लाने का जो श्रेय है, खासकर क्राइम की दुनिया में, वो जाता है सम्राट अशोक को। अशोक सम्राट ने पहली बार AK-47 का प्रयोग किया, और इस बात की पुष्टि जो है वो NI भी कर चुकी है। माना जाता है कि अशोक सम्राट बिहार में AK-47 उस दौर में यूज किया करते थे जब बिहार पुलिस ने इसे देखा तक नहीं था। बेगूसराय की धरती पर पैदा हुए अशोक सम्राट अपने दौर के सबसे बड़े बाहुबली, या यूं कहें कि गैंगस्टर थे, और ये गैंगस्टर ऐसे थे कि सिर्फ भले इनका जन्म बेगूसराय में हुआ था, भले ये बिहार के बाहुबली थे, लेकिन इनका जो तूती है वो गोरखपुर तक बोलता था, यानी कि जो गोपालगंज का बगल का जिला है, उत्तर प्रदेश का जिला है गोरखपुर, वहां तक इनका नाम बहुत प्रसिद्ध था, इनका परचम लहराता था। उस दौर में बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में दो कंपनियां थी, एक रीता कंस्ट्रक्शन और दूसरा कमला कंस्ट्रक्शन। ये दोनों कंपनियां रेलवे का ठेका लिया करती थी। इसमें एक कंपनी बीजेपी के नेता राम लखन सिंह, जिनका नाम भी आपने सुना होगा, उनकी थी, तो दूसरी के मालिक रतन सिंह थे। रतन सिंह का कंपनी को ठेका दिलाने के लिए अशोक सम्राट अपने बाहुबल का प्रयोग किया करते थे। वही राम लखन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह काम करते थे। बिहार पुलिस से रिटायर हो चुके अफसरों की माने तो रेलवे का ठेका पाने के लिए उस दौर में सूरज सिंह और अशोक सम्राट में वर्चस्व का लड़ाई होता था, और ऐसा लड़ाई जिसमें कई बार खून खराबा होता था, कई लोग उनके गिरोह के आपसी रंजिश में, आपसी फायरिंग में उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। माना जाता है कि अशोक सम्राट को खालिस्तान समर्थकों ने AK-47 राइफल सप्लाई की थी। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अशोक सम्राट के संपर्क
सेना में शामिल कुछ युवाओं से था, जिस वजह से उसे आतंकवादियों के पास से जब्त AK-47 राइफल मिल जाया करती थी। ये जांच का विषय है, क्योंकि आप सोचिए कि 90 के दौर में कुछ लोग कहते हैं कि उनका संपर्क खालिस्तानियों से था जहां उन्हें AK-47 मिलता है। तो कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि अशोक सम्राट को कि कुछ लोग थे आर्मी में जिनसे उसे AK-47 मिल जाया करता था। हालांकि यह जांच का विषय है और इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बात करें बिहार के जो पूर्व DGP हैं गुप्तेश्वर पांडे, उस दौर में बेगूसराय के SP हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले अशोक सम्राट गिरोह के लोगों की AK-47 और सूरजभान सिंह के घर से AK-56 की जब्ती की थी। गुप्तेश्वर पांडे उस दौर को याद करते हुए ये बात हमेशा कहते हैं कि अशोक सम्राट पूरे बिहार का सबसे बड़ा अपराधी था, वो कानून को कुछ समझता ही नहीं था। सन 1993-94 में बेगूसराय में कुल 42 मुठभेड़ हुए थे, जिसमें इतने ही लोग मारे गए थे। इनमें स्थानीय लोगों की मदद से AK-47 की संभवतः पहली जो हत्या है बिहार में वो साल 1990 में हुई थी। तो उस समय का जो एक्सपीरियंस है, उस समय का जो तजुर्बा है, नए नए IPS बने थे गुप्तेश्वर पांडे और उनकी पोस्टिंग जो है वो बेगूसराय में थी, और ये वही दौर था जब अशोक सम्राट का क्राइम जो है वो अपने चरम पर हुआ करता था। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने कि आ जाए कोई छापामारी। मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से ही छापामारी करनी पड़ती थी, थानेदार नहीं करता था। एक थानेदार हिम्मती था जो मेरे कहने पर उसने 8-10 बार अकेले किया था, नहीं तो मैं खुद ही लीड करता था। मैं नहीं जाऊं तो कोई थाना का DSP भी नहीं जाता था कि पता नहीं वो AK-47 चला देगा। इतने डरते थे लोग, आतंक बहुत। बोलने चालने में भी बहुत ही शालीन, लोग कहते हैं जिससे भी बात करता था बहुत ही शालीनता से बात करता था। बचपन का फुटबॉल प्लेयर था, तो उसके साथ जो बचपन से स्कूल में पढ़े हैं उन सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बाकी कॉलेज में वो मेरे दोस्त हो गए थे। तो वो उसके बारे में बताते हैं कि उस बहुत सीधा था, स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट था, बहुत हैंडसम था, वो तो मैंने खुद भी देखा। बाद में वो किस तरह से अपराध की दुनिया में प्रवृत्त हो गया, लेकिन उसका एक छत्र राज्य था बेगूसराय से मुजफ्फरपुर समस्तीपुर तक। इसमें कहीं कोई बहस नहीं है, कोई माई का लाल नहीं था जो उसको चैलेंज कर सके। नहीं तो राजा वहाँ के थे, वही तो हीरो थे वहां के, उनके ना उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता था। और वही AK-47 मेरे यहाँ फेंक कर गए थे, मतलब अपने आदमी से फेंकवाया था, मेरे पीछे मत पड़िए AK-47 दो तो राउंड गोली ले लीजिए। और बक्से में रात में मिनी बस में मेरे गेट के सामने फेंका गया, और संत जी ने बताया, मैंने तुरंत पुलिस मुख्यालय को खबर किया, यहाँ से बम डिस्पोजल स्क्वाड भेजा गया कि पता नहीं उसमें क्या होगा। तो खोला गया उसको, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने खोला तो उसमें उनकी एक चिट्ठी थी कि मैं जब तक आप हैं आपके जिले में कोई अपराध नहीं करूँगा, आपके जिले में प्रवेश नहीं करूँगा, AK-47 के पीछे आप पड़े थे, ये AK-47 दूसरा राउंड गोली मैं आपके जिम्मे सौंपता हूँ। अब देखिए, कोई भी जो बाहुबली होता है वो तब तक बाहुबली नहीं होता है जब तक उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। यानी ये साफ है कि अशोक सम्राट जो है जो थे उन्हें भी सत्ता का संरक्षण प्राप्त होगा। ऐसा बताया जाता है कि उनकी हनक के पीछे राजनीतिक ताकत भी काम कर रही थी। माना जाता है कि अशोक सम्राट का उस दौर के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद से काफी अच्छे रिश्ते थे। अशोक सम्राट बेगूसराय, बरौनी, मोकामा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, लखीसराय से पूरा और इसके आसपास के इलाकों में यह तय करता था कि चुनाव में किस उम्मीदवार को जीतना है। उसके गुंडे, यानी अशोक सम्राट के जो गुंडे थे, वो बूथ कैप्चरिंग के एक्सपर्ट थे और उनका प्रयोग चुनाव के समय खूब होता था बिहार में। चाहे वो 90 का चुनाव हो, चाहे वो 95 का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, इसमें बूथ कैप्चरिंग का जो कल्चर है बिहार में उसको आप कह सकते हैं कि शुरुआत जो है वो अशोक सम्राट के जो गुर्ग है, जो उनका अपना लोग होते थे, टीम होता था, वही लोग किया करते थे। माना जाता है कि उनकी हत्या यूपी के कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला ने की थी। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, राधन तिवारी समेत कई लोग आरोपी बनाए गए, लेकिन अब वे सभी के सभी बरी हो चुके हैं। आपको बता दें कि अशोक सम्राट की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह सरकार और प्रशासन दोनों को चुनौती देने लगा था। उस दौर में लालू प्रसाद यादव नए नए सत्ता पर काबिज हुए थे और यह माना जाता है कि प्रशासन को अपने पीछे देख अशोक सम्राट ने खादी पहनने की चाहत पाल ली थी। आनंद मोहन की पार्टी से उसका टिकट भी पक्का हो गया था, लेकिन उसका मंसूबा पूरा हो पाता उससे पहले ही वो पुलिस की गोली का शिकार हो गया। यानी ये जो बाहुबली है
वो बाहुबली ही रह गया, वो नेता नहीं बन पाया, सफेद पोश नहीं हो पाया और अंततः पुलिस की गोली का इसे शिकार होना पड़ा। तो आप कह सकते हैं कि ये बिहार का वो पहला बाहुबली था जिसने AK-47 का प्रयोग बिहार में उस काल में कर दिया, उस दौर में कर दिखाया जब बिहार में AK-47 का नाम और नक्शा पुलिस नहीं जानती थी। तो ये हमारा पहला एपिसोड था जिसमें हमने आपसे चर्चा किया अशोक सम्राट के बारे में। कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई बाहुबली की कहानी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।